कि ये गोलियां चल रही हैं, आवाज सुनिए गोलियों की। गुड मॉर्निंग फ्रॉम जाकमा। अगले दिन की शुरुआत हो गई है। तो ये हॉस्टल था जहां भाई ने रात को होस्ट किया, और ये है नागालैंड से जाता हुआ हाईवे इम्फाल मणिपुर। और दिखाता हूँ आपको, ये हॉस्टल है जहाँ कल रात बिताई। पस्ती बॉय हॉस्टल जाखमा, वुडन का बना हुआ है। देखिए ये रूम बने हुए हैं, और रूम के बाहर देखिए हिरन के सींग, ये आई थिंक उसका माथा है हिरन का। तो ये हर रूम के बाहर ऐसे ही लगे हुए हैं, ओरिजिनल है सारे। देखिए इधर लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है। तो यहाँ घरों के बाहर ऐसी चीज़ें बहुत देखने को मिल जाएंगी। तो ये था अपना रूम, नाइट यहीं स्टे किया था। बच्चों द्वारा लिखे हुए सम क्यूट्स, बिलीव इन वॉट यू आर, सक्सेस कम्स आफ्टर हार्ड वर्क, ट्राई टू बी मैड, एम मीन मेक, ए ए डी डिफरेंस। और कुछ हमने भी लिख दिया यहाँ पे, यूट्यूब चैनल ट्रैवल टू लॉन्ग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आ गई हैं। हमने भी कुछ यादें छोड़ दी अपनी इस रूम में। तो चलिए लगेज अपने हो गए हैं पैक, अब चलते हैं मणिपुर के लिए, भाइयों को उठाते हैं जिन्होंने होस्ट किया। भाई लोग सो रहे हैं, उठा गए हैं। ब्रो ब्रो, उठ नहीं रहे, रात को लेट सोए थे, और आज मॉर्निंग में इनका एग्ज़ाम है। तो देखते हैं थोड़ी देर, वो ट्राई करते हैं, अगर उठते हैं तो बाय बाय कर देते हैं भाई लोगों को, थैंक्स कर देते हैं होस्ट करने के लिए, और नहीं तो फिर मैसेज ड्रॉप करके यहाँ से निकल जाएंगे। और ये सामने कॉलेज है भाई का, ये ब्लू कलर का बोर्ड है, यही अंदर से गेट ऊपर जा रहा है कॉलेज के लिए। और व्यू देखिए मॉर्निंग में, यहीं से ही हिचहाइकिंग स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली आतिम भाई उठ गए हैं हमारे, और इनको करते हैं सी ऑफ। थैंक यू सो मच ब्रदर फॉर एवरीथिंग, सो नाइस ऑफ यू, एंड सी यू सून इन दिल्ली। ओके ओके, आई विल कम। ओके ब्रो, बाय बाय, टेक केयर। ओके, हैव अ गुड डे। सेम टू यू, सेफ जर्नी, टेक केयर। ने रोक दिया ट्रक। हेलो ब्रदर, डायरेक्ट लिफ्ट मिल गई हमें इम्फाल की हॉस्टल के सामने से। थैंक यू ब्रदर। भाई जाखमा से लिफ्ट मिल गई है मुझे इम्फाल मणिपुर के लिए, और इन भाई ने ट्रक रोका। भाई क्या नाम है आपका? संतोष। सुनार कुमार। सुनार संतोष सुनार भाई हैं, आसाम से। आसाम से हो भाई आप? आसाम से भाई हैं, और ये दीमापुर से मणिपुर के इस रूट पे चलते हैं डेली ये, और ये भाई इनके साथ है। क्या नाम है भाई? राज सुनार है मेरा नाम। क्या नाम है? राज सुनार। राज सुनार, राज सुनार भाई इनके साथ हैं, और एक भाई है। क्या नाम भाई आपका? है अच्छीपा। अच्छीपा, आप नागालैंड से हो? ये भाई नागालैंड से, ये दोनों भाई आसाम से हैं। बस इन भाइयों का प्यार मोहब्बत मिलता रहे, जर्नी हमारी लंबी जर्नी भी छोटी हो जाती है। तो अभी कितना किलोमीटर होगा ये? कितना संतोष भाई, कितना किलोमीटर होगा? 150। 150 किलोमीटर की लिफ्ट हमें मिली है। तो रास्ता देखिए कैसा है। सामने से ट्रक आ रहा, पुष्पारा झुकेगा नहीं। तो संतोष भाई ने बीच में ट्रक रोक दिया चाय पानी के लिए। ये है अपना ट्रक AS01DD8892। तो ये ट्रक है, और मैंने इस रूट पे देखा ट्रकों के ऊपर ये ट्यूब टंगी रहती है, तो मैंने पूछा भाई क्या है ये, हाँ पानी कैसे निकलता है इसमें से, ये बताएगा भाई।
ऐड किया हुआ है हाथ धोने के लिए। अच्छा ऐसे बंद हो जाता है तो नीचे ढक्कन लगा रखा है। देखिए कितना बढ़िया जुगाड़ है, पूरी ट्यूब भरी हुई है पानी से और नीचे बोतल का ढक्कन लगा हुआ है, हाथ धो लो अपना। तो ये हैं हमारे संतोष भाई। संतोष भाई आप कितने बजे चले थे कल? कल को करीबन 12 बजे। तो संतोष भाई कल रात 12 बजे चले हुए हैं और अर्ली मॉर्निंग इन्होंने अपना ट्रक रोका और मुझे लिफ्ट दी। और संतोष भाई की आपको टैटू दिखाता हूँ। संतोष भाई बॉडी पे आपके कितने टैटू होंगे? 1, 2, 3, 4 और 5 पांच टैटू हैं। और संतोष भाई बाकी है यहाँ पे भी है। ओके ओके। संतोष भाई ने बोला भैया ये कहाँ बनवाया टैटू? संतोष भाई आपने नेपाल पे बनवाया? ये भाई ने बनवाया मणिपुर में। और ये वाला? और ये दिमापुर। दिमापुर नागालैंड। मणिपुर नागालैंड। ये भी नागालैंड। नागालैंड तो संतोष भाई कह रहे जिस स्टेट में याद हूँ उस स्टेट का एक टैटू बनवा लेता हूँ यादगार के लिए है। और भाई है असम से। असम से तो भाई ने अभी चाय पानी के लिए गाड़ी रोकी है। तो अभी पीते हैं चाय पानी फिर चलते हैं। भैया बोल रहे हैं इसलिए क्या भी ले लीजिए। क्या नाम भैया आपका? रुद्र बहादुर। रुद्र बहादुर भैया हैं। हाँ जी। तो आपका दुकान है यहाँ पे? हाँ यहाँ पे दुकान 20 साल पहले से कर रहा हूँ। अच्छा 20 साल पहले से कर रहे हो। अच्छा तो जो भी ट्रक वाला आता है आपसे सामान खरीदता है? हाँ, कुछ ऐसा वो पीता है। जगह का नाम बताओ? तदबी वानी होटल। वानी होटल। हाँ तो जितने भी ट्रक भाई हैं इधर से गुजरे तो बहादुर भाइयों से जरूर मिलना। हाँ मिलना ठीक है। और इनका दुकान से कुछ ना कुछ तामुल लेके जाना भैया का। हाँ ठीक है। तामुल मिलेगा, पान मिलेगा, सिगरेट मिलेगा। तो संतोष भाई ने चाय मंगवाई है, पूड़ी है। और संतोष भाई क्या है ये? कौन सा ये सब्जी में? हाँ सब्जी में मटर है, आलू है। आलू मटर है? हाँ हाँ यही है। हाँ आलू मटर है और पूड़ी है, चाय है। तो संतोष भाई चाय पी नहीं, यहाँ की चाय कैसी होती है? हाँ चाय तो बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ हाँ चलो संतोष भाई ने स्पेशल गाड़ी रोकी है कि चाय पिलाते हैं, यहाँ की बढ़िया होती है। मैंने जो बोला था कि दूध पीते हैं। नहीं अभी चाय पीते हैं, आगे मौका मिला तो दूध पियेंगे। चलो यहाँ दूध पीते हो वैसे आप? हाँ हाँ। संतोष भाई कह रहे दूध पियो, मैंने कहा नहीं पहले चाय पीते हैं। चलिए पहले ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर चलते हैं आगे। तो संतोष भाई ने अभी पिलाई चाय और ब्रेकफास्ट करवाया। संतोष भाई लोगों के मन में थोड़ा डर है नागालैंड को लेके कि नागालैंड जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। नहीं ऐसा कहते हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि अपना अपना सोच है, अपना अपना थिंकिंग जो है ना वो चेंज करना चाहिए। अभी मतलब पहले जो चीजें थी वो अब नहीं है यहाँ पे? पहले जो चीजें थी अभी अब नहीं है। हाँ अब नहीं है ना यहाँ पे। हाँ। तो मैं भी 2 दिन रहा हूँ, अजनबी लोगों के घर रुका तो ऐसा कुछ नहीं है नागालैंड में। मोस्ट वेलकम नागालैंड में। सब लोग बोल रहे हैं कि आइए देखिए एक्चुअल में क्या चीजें हैं। और जो ट्राइब्स हैं मेन मोन विलेज में हैं, जिन लोगों से आप थोड़ा सा डर खाते हैं कि वो ऐसे लोग आई है, वो लोग भी ऐसे नहीं है। वहाँ जाइए और बहुत अच्छे से बात करते हैं। सुनने में आया मेरा, मुझे मौका नहीं मिला जाने का, पर नेक्स्ट टाइम कभी आया तो मैं वहाँ जरूर जाऊँगा। तो ऐसा कुछ नहीं है ना नागालैंड में? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ तो जैसे नॉर्थ ईस्ट में बाकी सारी स्टेट्स हैं वैसे ही नागालैंड है और ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं है। तो अभी संतोष भाई ने ब्रेकफास्ट करवाया है और अब कहाँ चलते हैं हम? टूवर्ड्स ऑन मणिपुर। मणिपुर के रास्ते है ना? मणिपुर तो अभी ऑलरेडी पहुंच गए हैं ना, फिर भी मणिपुर के बॉर्डर पे है पर इम्फाल जाने के लिए हमें अभी टाइम लगेगा। ट्रक में है तो 4-5 घंटे अभी और लगेंगे है ना। संतोष भाई ने ट्रक रोका है गन्ने का जूस पिलाने के लिए। लिया है भाई गन्ने का रस? थैंक यू। वेलकम। ये आया जी गन्ने का रस। ट्रक ड्राइवर्स के साथ जो एक एक्सपीरियंस होता है ना बहुत ही अच्छा होता है। लद्दाख में मिले थे खुशहाल भाई, उनके साथ 2 रात 2 दिन स्पेंड किया, खाया पिया। और अब संतोष भाई हैं
राजस्थान में मिले थे किशन भाई और फिर मिले थे मोहम्मद आरिफ भाई। तो जर्नी में बहुत लोग मिलते हैं और काफ़ी हेल्प करते हैं। ट्रैवलिंग करनी है तो आप निकल जाओ, रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। तो चलिए पहले गन्ने का रस पीते हैं। गोलियां चल रही है, अब ये नहीं पता कैसे चल रही है। देखिए ये गोलियां चल रही हैं, आवाज़ सुनिए गोलियों की। तो आज का लंच है संतोष एक्सप्रेस की तरफ से। संतोष एक्सप्रेस ये पीछे खड़ी हुई है और कर रहे हैं लंच। दाल राइस, मुझे उतरना था एग्जैक्ट वहीं उतारा है और सामने इधर गुरुद्वारा है और वहीं से भाई को निकलना था। भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, फिर मिलेंगे। चल ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। चल बाय 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 बाय। ठीक है भाई, बाय बाय बाय। तो संतोष भाई ने उतारा मुझे इम्फाल में और मुझे इम्फाल गुरुद्वारे में आना था, तो गुरुद्वारे के बिल्कुल नज़दीक से ही निकले संतोष भाई। गुरुद्वारे के अंदर आ चुका हूँ, दिखाता हूँ। ये मुझे रूम मिला है यहाँ पर और रूम के बिल्कुल बाहर बैडमिंटन ग्राउंड है। ये रूम मिला है मुझे आज गुरुद्वारे में। बाबा जी का वाहेगुरु का साथ सिरते रहे, जर्नी में किसी तरह की कोई दिक्कत आएगी नहीं। रूम मिला है, बहुत ही अच्छा रूम है और रूम से सीधा बाहर निकलते ही बैडमिंटन ग्राउंड है। रात के बज गए 8, अभी नीचे लंगर करने के लिए जाएंगे। लंगर हॉल में आ गए हैं, तो लंगर में ये वीर जी भी आए हुए हैं। वीर जी की नाम थोड़ा नरिंदर सिंह। लंगर तुम भी लंगर छकन आए हो? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, अंदर सेवादार है। सत श्री अकाल बाबा जी। लंगर अपना आ गया है, राइस आलू बीन्स की सब्जी दाल और प्रसादा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। लंगर छक लिया और दोबारा आ गया हूँ रूम में। सुबह से चले हुए ट्रक के अंदर ही चेकिंग करते हुए और एक ही ट्रक में लिफ्ट मिली थी पर उसमें भी काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब था। और शाम को भाई ने उतारा, लंगर किया, अब आ गए रूम में। और आज की वीडियो में गाइस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो
तो चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग. वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह.